रेवाड़ी शहर के बाल भवन में ग्रीवेंस बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करने प्रदेश के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव वहां पर पहुंचे। बैठक में राज्य मंत्री ने शिकायत लेकर पहुंचे काफी लोगों को न केवल शिकायतें सुनी बल्कि उनका मौके पर ही समाधान करने का भी आदेश दिया। और इसी दौरान मूल रूप से रेवाड़ी के नया गांव दौलतपुर और हाल में दिल्ली के शालीमार बाग निवासी श्रीचंद यादव एसडीएम रेवाड़ी से संबंधित अपनी जमीन से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे थे। श्रीचंद यादव का आरोप है कि मंत्री ओम प्रकाश यादव के सामने अपनी पूरी बात भी नहीं रख पाए थे कि पुलिस ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। श्रीचंद यादव का आरोप है कि उनके जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है और साथ ही कब्जा करने वालों से पुलिस और तहसीलदार भी मिले हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ने पूरे प्रदेश के अंदर 15,000 तालाब छठे हैं और उनका सबका हम नवीनीकरण करेंगे, सबका पुनरुद्धार करेंगे और ये सारे ही तालाब लगभग बारी बारी से आ जाएंगे। फिलहाल हमने प्रायोरिटी के ऊपर 118 जोड़ों पर कार्य शुरू किया है, धीरे धीरे करके हम आने वाले 2 साल में तेरा एक तमाशा रह गया क्या, एक और अभी काम ही नहीं रह गया। तो चले